हेलो दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज की वीडियो में अपन गल करेंगे हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। देखो अपना प्री प्राइमरी एजुकेशन के टीचर लगना, ठीक है, एनटीटी के टीचर लगना, तो अपन प्री प्राइमरी एजुकेशन का पहला जो बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री है जी पता होनी चाहिए भी इसकी शुरुआत है जी क्यों हुई सी, की रीजन से इसकी शुरुआत होने के क्यों हुई सी। प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो टॉपिक है, देखो आप सारे टॉपिक यदि किए प्री प्राइमरी एजुकेशन के, अपना एनटीटी के टॉपिक किए जिन्हें भी आ, बट इसकी हिस्ट्री है फिलोसफी है जी अपने हजे बिल्कुल भी टच नहीं सी की। तो तुहानू मैं लास्ट के इसलिए लास्ट वीडियो इसलिए करवा रहा क्योंकि तुहानू इहदे विचों जिहड़ा प्रश्न है जिहड़ा इस तरह निकल तुहानू पता होना चाहिए भी इहदी हिस्ट्री की आ, इसकी फिलोसफी की आ, इसका रीजन यह है भी तुहानू बाद विच आके चंगी तरह समझ आ सके। हुण तुहाडे कोल टाइम भी है भी क्योंकि मैं ये कुछ पॉइंट्स जोड़े वो होर मैं डाटा वगैरह का इकट्ठा किया, मैं टाइम लग्या, तो तुम इस वीडियो में एंड तक सुनना, ध्यान ना सुनना, तो जिन्हें भी गल् कर सारे ही मेन ने उन्होंने सारे तुम नोट कर लेना, ठीक है। आप गल कर रहे हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। देखो पहला की सगा इतिहासिक पिछोकड़, आप इस बारे तो पढ़ा भी की सीधा इतिहासिक पिछोकड़ भी यदा बैकग्राउंड की सगा प्री प्राइमरी एजुकेशन का। नो राइट टू एजुकेशन फॉर एस सी एस टी एंड वूमेन इन इंडिया ओल्ड टाइम। देखो पुराने समय के सगा पहला यह मनिया जाता सी भी जोड़े अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग ने उन्होंने एजुकेशन लैन का कोई हक नहीं है, ठीक है, भी उन्होंने एजुकेशन तो वांझे रखा जाता है। दूजी गल सी भी जी औरतें सी उन्होंने भी एजुकेशन लैन का कोई हक नहीं सी, कोई अधिकार नहीं सी। तो इस बाद हौली हौली इंप्रूवमेंट आई तो ये कई अंदोलन चले, चाहे ज्योतिबा फुले जी हो गए, चाहे डॉक्टर वी आर अंबेदकर जी हो, इन्हां सारे ने की किया मिलजुल के सारे ने इन्होंने अपने अपने एफर्ट्स किए, कई इन्होंने जो अंदोलन किए, कई तरह के इन्होंने प्रचार किया कि हाँ इन्हों एजुकेशन जो एस सी एस टी लोग है उन्होंने एजुकेशन लैन का हक है, औरतों भी हक जो है एजुकेशन लैन का हक है। ज्योतिबा फुले जी बारे तुम जो पढ़िया होगा तो उन्होंने जो है उन्होंने अपनी पत्नी नाल मिलकर जो है औरतों की जी एजुकेशन उसको बधाने की काफ़ी एफर्ट्स किए से उन्होंने, तो ठीक है। तो हौली हौली इन्होंने सारे के एफर्ट्स नाल की होया एस सी एस टी भी एजुकेशन मिलने लगी, उन्होंने भी जोड़ा अगे लिया गया भी हाँ वह भी एजुकेशन लै सकते हैं, तो औरतों भी जो बराबरता लिया गई। इस तरह हौली हौली पुराना समा बीतता गया तो एजुकेशन की नींव है जी रखी गई। पहला की सी भी बड़े बच्चे थोड़े ही होंगे सी भी उन्होंने एजुकेशन जो 7-8 साल का बच्चा होंगे वो एजुकेशन स्टार्ट करता, लेकिन प्री प्राइमरी एजुकेशन है जोड़ा इसका एक मतलब कि पहल एक नींह रखी गई जो वो सोच विचार होया भी हाँ एक छोटे बच्चे ही जे आप 3 साल का बच्चा जोड़ा उसनू ही 4 साल का बच्चा उसनू ही जो स्कूल के लाया जाए तो हौली हौली उसकी डिवेलपमेंट बढ़ेगी, उसकी जी नॉलेज है वो गेन होगी, बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। घर के इनवायरमेंट तो जोड़ा 3 साल 4 साल का बच्चा हों घर इनवायरमेंट तो जो अलग होकर आता स्कूल उसकी जी नॉलेज आ उसके जो टैलेंट आ होर भी ज़्यादा वधिया होंगे क्योंकि बच्चा जोड़ा छोटी उम्र की क्रियावान करने एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है। देखो भारत में आप जो गल करिए कहते 1949 मारिया मोंटेसरी ने भारत में प्री प्राइमरी एजुकेशन की नींह रखी थी, ठीक है। उन्होंने की किया जब मन भी भारत में प्री प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत कितों हुई है तो मोंटेसरी जी नाम की मारिया मोंटेसरी तुम्हें नाम सुनया होगा उस औरत ने 1949 भारत में प्री प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की नींव रखी थी, ठीक है। फिर उस तो बाद उसने जो है यही है भी जो उन्होंने शुरुआत करता एकदम ही जोड़ा आप कह सकते भी ज़्यादा बढ़ गई सी प्री प्राइमरी एजुकेशन का भी एकदम ही स्कूल खुल गए से नहीं, वो एक शुरुआत सी छोटी जी चाहे लगा लो भी उसने छोटे बच्चे जो है बुला के कितने जो है कहा भी छोटे बच्चे बट इन्नी ज़्यादा उदो नहीं डिवेलपमेंट हुई सी इस चीज़ की। तो उस तो बाद 1953 कमेटी ने पेरेंट्स की भी जोड़े पेरेंट्स ने वो भी फ्री स्कूल एजुकेशन भागीदारी की मतलब उन्होंने गल की गई 1953 एक कमेटी बनी तो उन्होंने यह फैसला लिया कि जोड़े पेरेंट्स ने उन्होंने भी प्री स्कूल बने हुए हैं जो उन्होंने भागीदारी होनी चाहिए आ पेरेंट्स भी शामिल होना चाहिए भी हाँ साढ़े बच्चे छोटी उम्र के पढ़न जो प्राइमरी स्कूल ने उन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन शामिल करने की गल की गई। देखो प्राइमरी स्कूल तो सी पंजवीं तक, ठीक है, 5th क्लास तक, तो उस तो बाद गल की गई भी प्री प्राइमरी एजुकेशन है जी स्टार्ट की जाए एक स्टार्ट की जाए जो प्राइमरी स्कूल पहले तो ही बने हुए उन्होंने ही ये किन्ने च गल की 1953 स्टार्टिंग पूछी गई मारिया मोंटेसरी द्वारा 1949 अगे आप गल करते हैं जे ये असल गल मनी भी 1964 कोठारी कमीशन ने राज पद्धरी, ठीक है, राज पद्धरी तौर पर प्री प्राइमरी जो कम्यूनिटीज़ ने उन्होंने स्थापना की आप इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं कम्यूनिटी इंस्टीट्यूशन लगा लो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, भी जी प्री प्राइमरी एजुकेशन प्री प्राइमरी जो संस्थावान ने
प्री प्राइमरी संस्थावां ने जिहड़ियां उन्हां दी स्थापना कीती सी 1964 विच कोठारी कमीशन जिकर पुछ लैंदे वी राज पद्धर ते जो है राज पद्धरी जो है संस्थावां सी प्री प्राइमरी एजुकेशन दीआं उह कदों होईआं सी 1964 दे विच किहदे द्वारा कोठारी कमीशन दे द्वारा इह प्रश्न बणदा इस दा इस तों द्वारा इस तों बाद गल कीती गई सी इंडियन प्रोग्राम ठीक है इंडियन प्रोग्राम केड़े केड़े बने सीगे प्री प्राइमरी एजुकेशन वास्ते इहदे विच पहला गा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसेज ठीक है यही याद रखियो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विस देखो चाइल्ड की गल भी होंगी डिवेलपमेंट की सर्विस की गल हो रही है जिसमें शॉर्ट फॉर्म के पूछ लिया ICDS आई का मतलब होगा इंटीग्रेटेड तो सी का मतलब होगा चाइल्ड तो डी का मतलब होगा डिवेलपमेंट तो एस का मतलब होगा सर्विसेज ठीक है ये कौन शामिल से आंगनवाड़ी वर्कर ने जिड़िया देखो पिंड देखिए भी होगा जो धर्मशाला वगैरह बने होंगे उन्होंने भी हों आंगनवाड़ी सॉरी आंगनवाड़ी जो वर्कर ने गियाँ उ चला मतलब बच्चों लिए उन्होंने जो है छोटे मोटे अठ तक ला लो भी वो पढ़े होंगे तो बच्चों की आ छोटे मोटे नॉलेज हो देंदियाँ उत्तर बच्चों ने एक्टिविटी कराया उन्होंने जो है कहने भी कुछ खाने चावल वगैरह दलिया वगैरह जो आप कह खीर वगैरह भी दी जाती बच्चों उनके पढ़ाई मतलब कुछ गल् सिखाने छोटी छोटी एक्टिविटी कराने के नाल बच्चों के पोषण का भी ध्यान रखा जाता ये आंगनवाड़ी वर्करस होंगे वो चलाते हैं इंटीग्रेटेड कई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट प्रो सर्विस के अंडर आदि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम कर दें इस अलावा जो इनका साथ दें संस्थावान जो यदा मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विस साथ कि संस्थावान देंगे याद रखियो एक तो है यूनीसेफ वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यह संस्थावान ने जिड़िया इनका साथ दें कि यूनीसेफ हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया ठीक है ये किया जाता गा 0 to 6 years के बच्चे ने उन्होंने ही सर्विस जी चली सी भी बच्चों जो छोटी मोटी क्रियावान एक्टिविटियां की जान भी बच्चे को सीख उन्होंने पोषण का भी ध्यान रखा गया सीगा ठीक है दोबारा संस्थावान के नाम दस देने कौन कि जुड़े हुए ने ICDS के नाल यूनीसेफ जुड़ी हुई है वर्ल्ड बैंक जुड़ी हुई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जुड़ा हुआ अगे आप गल करते हैं टीचर ट्रेनिंग ठीक है टीचर ट्रेनिंग के जुड़े हुए पहला देखो आंगनवाड़ी वर्कर मैं तुम्हें गल दसी पहला भी आंगनवाड़ी वर्करस ने उन्होंने कुछ मतलब कि गल्ला सिखाई जाती 3 to 2 months ट्रेनिंग लगाई जाती है भी वो जो गल्ला भी की अपने बच्चों जो भी कि एक्टिविटियां कराने ने किस तरह उन्होंने कि चीज़ों शामिल ने कि चीज़ा राही आप बच्चे की भी जी डिवेलपमेंट कर सकते हैं उन्होंने पोषण बारे दसें भी बच्चे इस तरह की डाइट देनी आ इस दिन आह चीज़ का खाना बनाना आह चीज़ का खाना देना बच्चों तो आह चीज़ की एक्टिविटी कराने बच्चे ने जो हौली हौली उन्होंने जी नीह है वो मजबूत हो देखो अब प्री का मतलब कि हमारा पहला ठीक है भी प्राइमरी जाने तो पहला ठीक है ये मतलब बच्चा कहता इसमें किंडरगार्टन तुम शब्द सुनया होगा उसकी डिटेल भी थोड़ा जहाँ अगे पढ़ा किंडरगार्टन का मतलब कि होंगे गा बगीचा जो बगीचा होंगे ठीक है बगीचे बच्चे का बगीचा सॉरी किंडरगार्टन का मतलब होंगे बच्चे का बगीचा भी बच्चे ने जोड़े वो एक पौधे होंगे तो माली है जोड़ा उन्होंने पौद्या जोड़ा कहें भी उन्होंने पानी दिता गा उसू खाद दिता तो उसू पूरा एक जो है दरख्त बना दिता ठीक है तो बच्चे ने जो छोटे छोटे पनीरी है पनीरी होंगे ये मतलब भी एक छोटी जी पनीरी है उस तो बाद पानी दिता खाद भी जिस तरह तुम्हें दोगे चीज़ उस तरह के ही बनूगा ठीक है विकसित हो जूगा जिस प्रॉपर जो आप कहें पानी जो जो चीज़ उन्होंने चाहिए नहीं मिलेगी बच्चे की डिवेलपमेंट जिस तरह पौधे की डिवेल जो अच्छी चंकी तरह खिलेगा नहीं उस तरह बच्चे की डिवेलपमेंट भी रुक जाएगी देखो आप इतने गल कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग की ठीक है आंगनवाड़ी वर्कर हो गए इस ठीक है आंगनवाड़ी वर्कर दसिया भी 8 to 10 ये या 10 to 10 पढ़े हो सकते हैं भी इन्होंने की ट्रेनिंग दी जाती है 2 to 3 months की भी बच्चों किस तरह उनकी एक्टिविटीज़ करने किस तरह उन्होंने डाइट देनी है अगे आप गल करें सुपरवाइजर ठीक है सुपरवाइजर तो हम नाम भी पता लगे भी सुपरवाइजर है सुपरवाइजर की काम करते होंगे भी निगरानी का काम करते होंगे भी जेडे काम आ सही ढंग ना चल रहे जिहड़ी चीज़ा दी लोड़ है बच्चों वो चीज़ उन्होंने मिल रही है उन्होंने सारे की गल होंगी है देखो इतने आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पहला आंगनवाड़ी वर्कर्स की तो मतलब सुपरवाइजर की करूगी निगरानी करेगा चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो देखेगा भी जो काम इन्हें दिता गया वो सही ढंग ना चल रहा भी जो एक्टिविटीज़ जो बच्चों करवाई जा रही वो सही ने बच्चों का सही पालन पोषण हो रहा है यह सारिया गल् सुपरवाइजर है जो नोट करता है अगे आप गल करते प्रोजेक्ट अधिकारी भी इसके अंडर ही आ गए प्रोजेक्ट अधिकारी की होंगे ये सारा कुछ चाहे ये की होंगे जो सुपरवाइजर जिन्होंने काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस होंगे जिन्हों को काफ़ी टाइम का तो वह भी प्रोजेक्ट अधिकारी बन जाते हैं मतलब उन्होंने क्योंकि उन्होंने को एक्सपीरियंस है वो सारे शामिल होंगे ये सारी चीज़ें ध्यान रख भी बच सारे खाने का ध्यान रख भी कितने किन्नी डाइट पहुँचानी है किन्ने मतलब स्कूलों किन्ने बच्चे वो सारे नोट कर दिया
प्रोजेक्ट अधिकारी होंगे जेडे। इस तो बाद टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये भी बने हुए हैं, ठीक है। ये की होंगे इंस्टीट्यूशन की काम करते हैं भी जेडे टीचर लगते हैं, आंगनबाड़ी टीचरस भी कह सकते जिन्होंने भी बच्चों प्री प्राइमरी बच्चों प्री स्कूल बच जो इंस्टीट्यूशन बने उन्होंने पढ़ाने वास्ते टीचर ने उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है भी कि गल आप बच्चों सिखाने ने कि एक्टिविटीज़ कराने जिन्हें राही बच्चे की डिवेलपमेंट हो सके भी बच्चे ने जोड़े स्कूल तो जाने तो पहले कुछ गल्ला ग्रहण करन ताकि उन्होंने दिक्कत ना आए स्कूल जो वो पढ़न। अगे आप गल करते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की फिलोसफी की। यदि फिलोसफी का मतलब होंगे दर्शन शास्त्र, देखो यदा मतलब होंगे पंजाबी दर्शन शास्त्र। फिलोसफी की सीगा, फिलोसफी भी कि मतलब कि कितों ये जी जो है क्यों इसका मुद्दा उठा सी प्री प्राइमरी एजुकेशन का की लोड़ पैगी सी इसनों करन दी, वो सारी गल्ला हो गई भी जो आप हिस्ट्री फिलोसफी पढ़ा तो गल्ला क्लीयर होंगे जानिया। सब तो पहला देखो मोंटेसरी का ही नाम आता, देखो पहला पहला भी मोंटेसरी का आप पढ़ाया सीगा मोंटेसरी बारे, मोंटेसरी बारे उस बारे थोड़ा डिटेल जान लें भी 1907 इसकी स्टार्टिंग हुई सी मोंटेसरी जी एजुकेशन की, ठीक है। किसने इसकी शुरुआत की थी? मारिया मोंटेसरी ने। मारिया मोंटेसरी 1907 मोंटेसरी की अपनी मतलब कि उसने मोंटेसरी एजुकेशन कहते जिसनों उसकी शुरुआत की सी। ए बच्चे के निरीक्षण विश्लेषण से जोर दिता गया, बच्चों ऑब्जर्व किया गया, बच्चे निरीक्षण किया गया भी बच्चे जो नॉलेज लै रहे वह सही है, ठीक है। भी बच्चों ऑब्जर्व किया भी की चीज़ कर सकता लाइफ के बच्चे किस तरह का टैलेंट भी किस तरह की एक्टिविटी भी बच्चे दे भी नहीं है सिर्फ टैलेंट न बच्चे ने कमियां भी देखा भी बच्चा क्यों नहीं प्रोपर अपनी एजुकेशन हासिल कर रहा, क्यों नहीं जो बच्चा प्रोपर पढ़ पा रहा वो सारे गल्ल होंगे। इस बाद अगर ये की होंगे जो मोंटेसरी एजुकेशन है बच्चे खुद सीखते हैं, कभी पूछ लेंगे भी इसकी मोंटेसरी जी किस चीज़ की गल करते हैं बच्चे खुद सीखते हैं तो अध्यापक सिर्फ गाइड करते हैं उन्होंने। ये क्या गया भी बच्चे ने जोड़े उन्होंने ज़्यादा यही नहीं है भी सिर्फ पूरे टीचर उपर डिपेंड होंगे टीचर ही उन्होंने सारा कुछ खाऊगा, नहीं एक गल करते मारे मोंटेसरी कहें भी बच्चे होंगे ने जोड़े उन्होंने सैल्फ जी सैल्फ स्टडी का होंगे जैल्फ कोई भी एक्टिविटी करन की होंगी हैगी भावना बच्चे खुद कर सकते हर काम को सिर्फ उन्होंने एक गाइडेंस की लड़ हूँ तो टीचर उत्थे एक गाइड का काम करता वो बच्चों सिर्फ दिशा निर्देश दिता बच्चे अपने आप वो काम एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो भी इतने की करते हैं मारे मोंटेसरी की कहें भी बच्चे खुद सीखते हैं तो टीचर ने जोड़े सिर्फ उन्होंने गाइड करते हैं वह गाइड गाइड वास्ते नहीं उन्होंने, ठीक है, उन्हें दिशा निर्देश देंगे अध्यापक ने। इस तो बाद गल करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड की गल भी प्रोजेक्ट के आधारित सी जी एजुकेशन की सीगा ये सारे देखो ये हिस्टरी की गल चल रही है भी की हिस्टरी बनी सी हिस्टरी पहला मारे मोंटेसरी तो पूछ सकता एग्जाम के मारे जो मोंटेसरी एजुकेशन से कह गल करते हैं सैल्फ स्टडी की गल करते हैं, देखो खुद सीखने की भी सैल्फ स्टडी की गल भी खुद करके सीखने की आप बच्चे की आ खुद सीखते हैं अध्यापक ही सिर्फ उन्होंने गाइड करता। प्रोजेक्ट के होंगे प्रोजेक्ट बेस्ड जोड़ा ये किसने दिता से डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने दिता सीगा जो मैथड है प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड। वैसे मैं तुम्हें शायद जो तुम मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मैंने सारे मैथड जो दस्यो चाहे वह प्रोजेक्ट मैथड हो मोंटेसरी मैथड हो इन बारे भी डिटेल पढ़ाया से तो क्योंकि आपने इसकी फिलोसफी हिस्टरी पढ़नी है तो मैं तुम्हें दोबारा ये गल रिपीट करवा दी कि जो याद रहा सिकुएंस है जो प्रोपर बनता चला जाए। देखो ये प्रोजेक्ट बेस्ड डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने ही दिता स। इस तो बाद रिलेटेड विद द रियल लाइफ, देखो एक बच्चे मैं प्रोजेक्ट देने प्रोजेक्ट की हूँ भी कुछ अपन टॉपिक दे दिया बच्चे भी हाँ तो उस चीज़ से कोई प्रोजेक्ट तैयार करके लैके दिता बच्चे की करते उस चीज़ के उसके रिलेटेड पिक्स वगैरह इकट्ठिया करते उस मटीरियल जो हों इकट्ठा करके अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, है ना। तो उत्थे की बच्चे जी उन्होंने की हों क्रिएटिविटी निकल के आती है भी हाँ बच्चे ये क्या बच्चे खुद सीखते हैं तो उनका साथ कौन दिता उनके टीचर देंगे, ठीक है। ये यूज ऑफ प्रिंसीपल कुछ सिद्धांत ने जोड़े उन्होंने प्रयोग किया कुछ सिद्धांत दसदा प्रिंस उन्होंने जो टीचर है भी हाँ हाँ तुम आह चीज़ा फॉलो करनी प्रिंसीपल दसदा उन्होंने कुछ। इस तो बाद ग्रुप वर्क होंगे ये क्या प्रोजेक्ट बेस्ड के कई बच्चों की टोली बना दी उन्होंने ग्रुप बना दिता जाता भी तुम ये इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करके लिया छोटे बच्चों की बन जाए तो छोटे बच्चे जो है ज़्यादा उत्सुकता होंगी है भी सानू अध्यापक ने कुछ दस तो असं करिए तो ठीक है। ये की हमारा ग्रुप वर्क होंगे ग्रुप वर्क मतलब टोली होगी नाल उन्होंने सहायता कौन करता उन्होंने अध्यापक होता अध्यापक भी इस इनकलूड किया गया। इस तो बाद सैल्फ मोटीवेट किया जाता है जो आप प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड की गल करिए सैल्फ मोटीवेट मतलब कि बच्चे खुद प्रेरित होंगे ने जो करके वेखते हैं ना वो चीज़ा देखते खुद अपने आप प्रेरित होंगे इस चीज़ तो सैल्फ मोटीवेट होंगे मतलब।
दोबारा तुहानू रिपीट करवाना हजे देखो खत्म नहीं हुआ हजे चल रहा अपना इन में तुम दोबारा ही रिपीट करवाना कुछ गल्ला देखो यदि जे आप गल करिए हिस्टरी की गल करिए पहला स्टार्टिंग एस सी एस टी औरतों जो एजुकेशन लैन का कोई हक नहीं सी बाद ज्योतिबा फूले जी होरी तो मतलब कि डॉक्टर बी आर अंबेदकर द्वारा कोई एफर्ट्स किए गए उन्होंने वास्ते तो औरतों भी हक मिले भी औरतें भी एजुकेशन लै सकती हैं तो एस सी एस टी भी हक मिले भी एजुकेशन इस तुम बाद ये चीज़ खत्म हुई भी एस सी एस टी भी आ गए एजुकेशन लैन के औरतों भी फिर उस बाद गल हुई भी हाँ एजुकेशन है जी सिर्फ यही भी सत्त अठ साल तो या पांच छः साल तो स्टार्ट किए इस प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो मुद्दा चलिया भी हाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों ने छोटी उम्र तो ही थोड़ा थोड़ा सीखने मिलना चाहिए भी बच्चे जी एकदम जो स्कूल के आते हैं तो बच्चों जोड़ा जो है कहते भी औखाई आती सी बच्चों दिक्कत आती सी करने उन्होंने थोड़ी गाइडेंस मिलनी चाहिए इस करके प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई ठीक है इस तो पहले जो आप स्टार्ट गए स्टार्टिंग हुई इंडिया 1949 मारिया मोंटेसरी द्वारा भारत में प्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत हुई सी 1953 एक कमेटी ने दसा कहा कि पेरेंट्स की भागीदारी बहुत जरूरी है प्री स्कूलों के ठीक है इस तुम बाद प्रायमरी स्कूल स्कूलों में ही जो प्री प्रायमरी एजुकेशन स्टार्ट होनी चाहिए है यह गल 1953 ही कही गई 1954 कोठारी कमीशन ने राज पद्धर के प्री प्रायमरी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की पूछ रहे इंस्टीट्यूशन कदों बने गए थे प्री प्रायमरी एजुकेशन के तो याद रखे 1954 कोठारी कमीशन के द्वारा अगर आप गल करते हैं इंडियन प्रोग्राम केड़े-केड़े बने से पहला यही मेन है ज़्यादा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विस ICDS ठीक है ये की किया गया 0 to 6 साल के बच्चे एजुकेशन दी गई सी ठीक है ये होर साथ कि दिता यूनिसेफ ने दिता वर्ल्ड बैंक ने दिता वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दिता ठीक है ये आप जो गल करिए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो काम कर दिया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विस के टीचर ट्रेनिंग की होंगी है टीचर की कि होंगे देखो ये आ गया पहला आंगनवाड़ी वर्कर जो 8 या 10 पढ़िया होंगे इन इन्हू की 2 या 3 महीने ट्रेनिंग दी दसा आते बच्चों अपने किड़िया गल् सिखाया ने कि चीज़ा डाइट डाइट वगैरह जो बच्चों देनी है पोषण उन्होंने देना वो बारे भी दस आता से अगर सुपरवाइजर सुपरवाइजर की करता ये निगरानी का काम करते कि हाँ जो काम है प्रोपर चल रहा या नहीं ये कि निगरानी करते आंगनवाड़ी वर्कर जो रखे होंगे तो उन्होंने दिशा निर्देश देंगे अगर गल करते प्रोजेक्ट अधिकारी कि होंगे भी जो सुपरवाइजर जिन्हों का मतलब कि एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे 5 साल 7 साल जो ये प्रोजेक्ट अधिकारी होंगे ये की करते हैं सारिया गल् नोट करते भी बच्चे की गिनती किन्नी हुई है स्कूलों कि डाइट पहुँच रही है स्कूलों में सारे गल् नोट करते हैं अगर गल करते हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को संस्थावान बनी होंगे जो प्री प्राइमरी टीचर्स वास्ते ट्रेनिंग देंगे मतलब कि उन्होंने सर्टिफिकेट बकायदा दिता जाता उन्होंने जो एजुकेशन लेंदे ये 2 साल का कोर्स भी हो सकता 1 साल का अलग अलग कोर्स है प्री प्राइमरी एजुकेशन के तो यह टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं यो काम करते भी उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिता जाता जिहड़े इंट्रस्ट जो शौक रखते इंट्रस्ट रखते जो प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर लगन का प्री प्राइमरी एजुकेशन के ये फिलोसफी की जो गल करिए दर्शन शास्त्र की गल की पहला मोंटेसरी ठीक है यदि शुरुआत 1907 मारिया मोंटेसरी ने ही की मोंटेसरी एजुकेशन से भी ये कहना बच्चे ऑब्जर्व बच्चे ऑब्जर्व किया जाता है उसमें एनालाइज किया जाता है तो विश्लेषण किया निरीक्षण किया जाता है यह कहती सी मारिया मोंटेसरी बच्चे ने जो खुद सीखते हैं ठीक है जो एक अध्यापक वो सिर्फ एक गाइड का काम करते उसको गाइड करते हैं इस उदू बाद प्रोजेक्ट बेस्ड की गल की प्रोजेक्ट बेस्ड का जो मैथड यह दिता से WH किलपैट्रिक ने वह कहता सी प्रोजेक्ट बेस्ड जोड़ा मैथड आ रियल लाइफ ना रिलेटड सगा तो ये की किया कुछ प्रिंसीपलों की पालना की जाती जो अध्यापक वो बच्चों काम करता सी ठीक है ये ग्रुप वर्क हुंदा सी भी कई बच्चे थोड़े टोली बनाई जाती सी अध्यापक उन्होंने गाइड करता सी अगे करता सैल्फ मोटिवेट किया जाता प्रोजेक्ट बेस्ड के बच्चे खुद जोड़े जो क्रियावान करते हैं एक दूजे देख के सीखते हैं तो उन्होंने अपने आप सैल्फ मोटिवेट की भावना आती है खुद प्रेरित होने की भावना आती है ये तुम नोट कर लो एक जो अगे रहा हजे कुछ होर गल ने भी कि उद्देश ने एक अध्यापक जो किस तरह के रखे जाते कि अध्यापक का की मनोरथ होना चाहिए बच्चे पढ़ाने वास्ते वो सारे आप गल करा इसमें लिख सकते हो मैं इसमें रेज कर देना नैक्सट आप लिख दें
हेलो दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो आप गल कर रहे हैं हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। आप पहले भी इस टॉपिक के जो पहले आप लिखे से इसके कि भी कि जो है फिलोसफी हैगी इसकी बनी हुई है। फिलोसफी के पहले तीन पहला पढ़े सुखे सॉरी दो टॉपिक पढ़े सके। नैक्सट आप तीजा जो भाग वो पढ़ना है। ठीक है, तो तुम जे टॉपिक ने फिलोसफी रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हो। मोंटेसरी बारे पढ़िया सी, प्रोजेक्ट वाले भी आप पढ़ चुके से। मोंटेसरी की सी वो गल करती सी कि बच्चे ने जोड़े उन्होंने खुद सीखने की एक कला होंगी है। बच्चे बहुत चंगी तरह सीख सकते हैं, उन्होंने काबिलियत होंगी है। सिर्फ एक टीचर ने उन्होंने की करना होंगे, गाइड करना होंगे, भी उन्होंने दसना होंगे भी तुम इस काम इस तरह कर सकते हो। बच्चे उस तरीके ईजीली तरीके परफेक्ट कर सकते होंगे भी एक टीचर उन्होंने सीख देता रहा। तो प्रोजेक्ट मैथड के ग्रुप वर्क होंदा गा, टीचर आ जिहड़ा उन्हां दा साथ दिंदा बच्चों का, उन्होंने कोई ना कोई जिहड़ी आपां कहिंदे नवें किसी प्रॉब्लम ना किसी कोई घटना नाल जोड़ के कोई उन्होंने दे दिता भी तुसीं इस चीज़ के उत्ते अपना प्रोजेक्ट तैयार करना। बच्चे ने जिहड़े उसनों की करदे रीयल लाइफ नाल जोड़ते, रीयल लाइफ नाल रिलेटड हुंदा प्रोजेक्ट मैथ जिहड़ा आपां कहिंदे प्रोजेक्ट मैथड ही लगा लो भी। उहदे विच बच्चों नूं इक प्रोजेक्ट दित्ता जांदा, ग्रुप वर्क हुंदा, ते टीचर उहनां दा साथ दिंदे ने, बच्चे नूं सीख दिंदे। उहदे विच की सीगा मोंटेसरी विच बच्चे दस्सेगा भी इक कहिंदे खुद दे करता धरता होंगे, खुद कोई काम कर सकते हैं, टीचर ने सिर्फ गाइड करना होंगे। इस तों बाद आप गल कर रहे तीसरा जो पार्ट है रुडोल्फ वालडोर्फ सॉरी ये की है वालडोर्फ। ठीक है, ये वालडोर्फ की है जी, इस बारे आप जानिए। देखो इट बिगेन इन 1919। ठीक है, 1919 स्टार्ट होया सीगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द इट इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ द आस्ट्रेलियन एजुकेटर रुडोल्फ स्टेनर। रुडोल्फ स्टेनर नाम के एक कहते आस्ट्रेलियन एजुकेटर होए ने, उन्होंने ही की दिता सीगा ये उन्होंने सिद्धांत के उपर बेस्ड सीगा। ठीक है, भी उन्होंने अपने आइडिया दिते सीगे किने आस्ट्रेलियन एजुकेटर सी जिसका नाम सीगा रुडोल्फ स्टेनर। ठीक है, द टीचर्स ऑफ्टन रिमेन विद द सेम ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर अप टू 8 ईयर्स। अप टू एट ईयर्स मतलब हो गया 8 साल तो जो उपर ने बच्चे, उन्होंने टीचर ने की है सेम मतलब ग्रुप होंगे उन्होंने बनया हुआ बच्चे 8 साल तो उपर ने, उन्होंने टीचर रेंदे बकायदा, उन्होंने अक्सर उन्होंने साथ देंगे। देखिए ये की होंगे, द एटमोसफीयर इज होम लाइक, जो वातावरण पढ़ा की होंगे बिल्कुल घर वर्गा होंगे, फरनिशिंग होंगे, सजावट का समान होंगे, प्लेइंग थिंग्स होंगे ने खेडन वाली चीज़ा उन्होंने रखी ने। ठीक है, दोबारा तुम रिपीट करा वालडोर्फ की सीगा 1919 के स्टार्ट किया गया सीगा। दूजी गल करिए किस दे उपर बेस्ड सी, ये आइडियाज़ दिते हुए किसने दिते हुए, आस्ट्रेलियन एजुकेटर सीगे रुडोल्फ स्टेनर, उसने ये आइडियाज़ दिते सीगे। तो वो की ये की होंगे टीचर सा जरा रहा गा कि सेम एज के ग्रुप के बच्चे होंगे ने, किन्ने किन्नी एज होंगे ने बच्चे ने 8 साल तो उपर। तो जरा इसका इसका स्टडी की जाती है वो जो माहौल होंगे बच्चों का वो की होंगे बिल्कुल एटमोसफेयर का होंगे घर वर्गा होंगे। ठीक है, फरनिशिंग उत्थी की होंगी भी मतलब फरनिशिंग हो गया, इतने जोड़े सजावटी समान होंगे उन्होंने रखा जाता, प्लेइंग थिंग्स होंगे खेडन वाली चीज़ा रखी जाए। इस तो बाद रेजियो एमिलिया। ठीक है, रेजियो एमिलिया की होंगे इट इज़ बेस्ड ऑन द हाईली सक्सैसफुल प्री स्कूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल जोड़े कह सकते आप स्कूल रहे नेगे, प्री स्कूल रहे नेगे। ठीक है, यदा ना की है रेजियो एमिलिया। ठीक है, याद रखो रेजियो एमिलिया एक ही सी सक्सैसफुल से ज़्यादा सक्सैसफुल हुए ने इस स्कूल ने जोड़े। देखो आप गल ही की कर रहे हैं प्रायमरी स्कूलों की कर रहे हैं, तो यह सारे ने जोड़े कितने कि इन्होंने रोल प्ले किया प्रायमरी एजुकेशन प्री स्कूल खोलन जोड़े छोटे बच्चे से। बिल्कुल जो तो हम कोई भी एग्जाम के पूछ लेंदा भी कि ग्रुप सी कम्यूनिटी सी फिर कि दर्शन शास्त्र सगा जिसने जो 8 साल तो 8 साल की उपर या फिर 8 साल के बच्चों वास्ते मतलब कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया सीखने वास्ते जिते घर वर्गा वातावरण हो, तो कि याद रखो वालडोर्फ। ठीक है, ये किने स्टार्ट किया भी तुम दस दिता मैं रुडोल्फ स्टेनर ने। ठीक है, याद रखो घर वर्गा वातावरण होंगे। देखिए आप रेजियो एमिलिया की गल करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन हाईली सक्सैसफुल प्री स्कूल होंगे ने उन्हों पर बेस्ड सगा है, डिवेलप्ड बाय द टाउन पीपल। किन्ना द्वारा ही जो रेजियो एमिलिया जो स्कूल सीगा किन्ना द्वारा बनाए गए सी टाउन पीपल्स जेडे नगर के लोग से उन्होंने द्वारा बनाए। चिल्ड्रन आर एक्सपैक्टड, बच्चों तो एक्सपैक्टड किया जाता सी टू लर्न थ्रू मिसटेक्स। देखो
अलग गल होगी ना ये की नहीं है भी बच्चों भी कहा जाता है जबरदस्ती भी तुम सही काम करके दिखाओ बच्चों मिसटेक द्वारा सीखने लिए कहते भी वो गलतियां कर गलतियां द्वारा सीख ठीक है भी जो गलतियां करनगे उन्होंने पता लगू भी गलती सी की है द्वारा नहीं करनी मतलब ये चीज़ होगा भी गलतियों द्वारा सिखाने की गल कई बार एग्जाम पूछ लैन भी कि जो है कि दर्शन शास्त्र स्कूलों के या फिर कि फ्री स्कूलों के गल की गई बच्चे गलती द्वारा सीख तो कि रिजियो अमीलिया ये याद रखियो दूजी गल करते हैं देयर प्लेज एंड प्रोजेक्ट्स उन्होंने जोड़े प्ले से खेडा सगिया मतलब कि खेड के तरीके से खेडा लगा लो जो प्रोजेक्ट से आर रिकॉर्ड्स दे आर ऑनवर्ड्स उन्होंने रिकॉर्ड रखे जाते हैं ठीक है उन्होंने आपके शब्दों के बच्चे बच्चे रिकॉर्ड करते उन्होंने आपका की होंगे प्रोजेक्ट होंगे जो प्ले होंगे उन्होंने रिकॉर्ड किया जाता है रखा जाता है लिखती तौर पर ठीक है अगे गल करते हैं हाईस्कोप हाईस्कोप की सीगा इट वॉज स्टार्टड बाय डॉक्टर डेविड वेलकार्ट ठीक है डेविड वेलकार्ट द्वारा ही स्टार्ट किया गया सीगा हाईस्कोप है जोड़ा तो ये है मिशीगन मिशीगन नाम का एक व्यक्ति सीगा मिशीगन एक आप कहने भी सिटी हैगी जिम्मे किसी कंट्री होंगी जिम्मे अपनी दिल्ली वगैरह ये मिशीगन एक सिटी का ना एजुकेटर 1970 के इन्हें स्टार्ट किया नाम से पूछ लेंगे हाईस्कोप कि स्टार्ट किया तो याद रखियो डॉक्टर डेविड वेलकार्ट कि 1970 एजुकेटर से कितों के मिशीगन सिटी के अगे आप गल करिए इसी की तो कहते इट इज़ डीम फेजिज स्कू सोशल एंड इमोशनल डिवेलपमेंट ये कहते घट जोर देंगे किस चीज़ के उपर इन्होंने ज़्यादा फोकस इन्होंने कहा सोशल तो जो इमोशनल एजु डिवेलपमेंट है उसनों ज़्यादा जरूरी नहीं मानते ये मानते थे इट इन फेवर ऑफ एजुके अकैडमिक सॉरी अकैडमिक एक कहदे विच अकैडमिक विच ज़्यादा फेवर दे विच सी एक सोशल ते इमोशनल की गल घट करते कहदे फेवर दे विच सी अकैडमिक दे फेवर दे विच थी ये कहते अकादमिक प्राप्तियां ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंदियां ने समाजिक ते भावनात्मक प्राप्तियों तो ठीक है अकैडमिक जे बच्चे का अकैडमिक कह सकते प्राप्तियां वधिया होणगियां तो आपां नूं समाजिक ते जिहड़ियां कहिंदे इमोशनल वो अपने आप बेहतर हो जाणगियां होंदियां जाणगियां अगे आपां इसदी स्टूडेंट इनकैरेज उन्होंने बच्चों इनकैरेज उत्साहित किया जाता है टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट मटीरियल्स एंड एक्टिविटीज़ बच्चों की किया जाता है उन्होंने उत्साहित किया जाता है भी खुद के फैसले लैन खुद के डिसीजन लैन ठीक है कादे बारे जो उन्होंने मटीरियल प्रोवाइड किया गया जो उन्होंने एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं भी हाँ तुम ये तो वास्ते मटीरियल ठीक है चंग मतलब कि बेहतरी वास्ते ये जो एक्टिविटीज़ कराए ने भी बच्चे खुद का डिसीजन लेंदे सी कई पुछ लेंदे भी हजे केड़ा सी जिहदे विच इंडिपेंडेंट तौर पर बच्चे फैसले लेंदे सी एक्टिविटीज़ प्रति मटीरियल प्रति तो याद रखे उहदा नाम सीगा हाईस्कोप ठीक है नाम ही हाईस्कोप आ तो मतलब हाईस्कोप का की हुंदा भी इहदा वड्डा खेतर होगा ना पंजाबी दे विच आपां जिहड़े हाईस्कोप कहिंदे वड्डा खेतर तो इत्थे वड्डे खेतर की होगा भी बच्चे की अकैडमिक प्राप्ति उपर ज़्यादा जोर दिता जाता सी बच्चे तो उम्मीद की जाती सी भी जिहड़े एक्टिविटीज़ करदा गा उह इंडिपेंडेंट तौर पर करे आपदे खुद दे उपर मतलब कि उहदा सही डिसीजन लए तो ठीक है मतलब कि जो मटीरियल आ वह चुने हो सही ठीक है भी बच्चे खुद डिसीजन लेंदे सी अगे आप गल करते हैं बैंक स्ट्रीट की बैंक स्ट्रीट नाम तो पता लग भी स्ट्रीट की गल हो रही है स्ट्रीट हो गया ना तो बैंक स्ट्रीट एक नाम ज नाम ही यदा बड़ा प्यारा देखो ये है दीज आर बेस्ड ऑन अर्ली चाइल्डहुड कहदे उपर बेस्ड सीगा अर्ली चाइल्ड उपर बेस्ड सीगा दूजी गल प्रोग्राम रन बाय द बैंक स्ट्रीट कॉलेज कई बार पूछ लेंगे स्टार्ट किस द्वारा किया गया सी चलाया किस द्वारा जाता सी तो याद रखियो प्रोग्राम ही कि द्वारा चलाया जाता है बैंक स्ट्रीट कॉलेज सीगा उस दे द्वारा यह चलाया जाते कॉलेज सीगा है बैंक स्ट्रीट द्वारा चलाया जाता है ऑफ एजुकेशन इन न्यूयॉर्क सिटी कितने बनया हुआ है न्यूयॉर्क सिटी के बनया हुआ सी कॉलेज बैंक स्ट्रीट कॉलेज इन ऑफ एजुकेशन इन न्यूयॉर्क सिटी इट इज़ फाउंडड बाय लुईस स्पार्क लूसी स्पार्क जड़े सी मिचल सके इन्होंने 1916 स्टार्ट किया लैसनस आर फोकस ऑन सोशल साइंस सच एज हिस्ट्री ये ज़्यादातर कि गल की जाती सी सोशल साइंस की गल की जाती समाजिकता की गल की जाती सी समाज देखो आप समाज शास्त्र का जो विषय पढ़ते हैं समाज समाजिक विज्ञान का आप कह सकिए आप कि सब्जेक्ट देखो पढ़ते होंगे ज्योग्राफी पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते जो है पॉलिटी पढ़ते हैं तो इन्होंने सब्जेक्टा उपर ज़्यादा फोकस करते जो बैंक स्ट्रीट है ठीक है ये तुम याद रखना ये कि द्वारा स्टार्ट किया गया लूसी स्प्रैग मिशल द्वारा ठीक है किन्ने 1916 के जे कि आप गल करिए करते डिवेल ये चाहते सी भी
इमेजिनेशन पावर बच्चों की ज़्यादा डिवेलप हो। देखो जदों भी आप इमेजिनेशन पावर तो ही चाहते सी जोर देते थे भी बच्चे समाज में वध जोड़न की गल करते ज्योग्राफी की गल होगी चाहे चाहे कह हिस्टरी की गल कर रहे हैं चाहे पॉलिटी की गल हो गई क्योंकि समाजिक ये कहदे अंदर आ गए समाजिक समाज शास्त्र का विषय के अंडर आ गए ये इस करके इन्हों पर जोर देंगे बच्चे की इमेजिनेशन पावर डिवेलप करने की गल करते। अगे आप गल करते कम्यूनिटी कम्यूनिटी की हूँ आप नाम दी पता कम्यूनिटी हूँ एक संघ बनया हूँ जो आप कहें भी समाज के सब की बेहतरी वास्ते कोई ना कोई संस्थावान बने संघ बने होंगे ठीक है लाइक रिलीजियस स्कूल इट फॉलो प्री स्कूल फिलोसफी ठीक है जिमें रिलीजियस स्कूल आप मैं पढ़ाऊँगा रिलीजियस स्कूल होंगे जिमें वो कहते उत्तर धर्म की सिक्ख्या दी जाती है वो सारे इन्होंने भी की किया हुआ उम्मीद सेम रिलीजियस स्कूलों वाग प्री स्कूल का जो सिले फिलोसफी से उन्होंने फॉलो किया भी जोड़े प्री स्कूल की फिलोसफी आ जो प्री स्कूल बने हुए हैं बच्चों वास्ते उन्होंने फिलोसफी यह फॉलो करते उन्होंने आप करिकुलम जिमें बने हुए से उसू फॉलो करते ठीक है कम्यूनिटी है जी संघ है भी बच्चे की भलाई वास्ते काम करती सी उन्होंने चाहे फंड चाहिए बच्चों की भलाई वास्ते चाहे कुछ होर भी मतलब मटीरियल वगैरह जिन्ना चाहिए उन्हों का आप कह इकोनॉमिकली तौर पर उन्होंने हेल्प भी करती सी कम्यूनिटी नाम की संस्था। अगर आप दोबारा तो रिपीट थोड़ी गल करवाना भी वाल्डोर्फ की सगा यह 1919 स्टार्ट किया गया कहदे बेस्ड से आइडिया दिते हुए किसने आस्ट्रेलियन एजुकेटर से रोडोल्फ स्टेनर एक नाम व्यक्ति सगा इन्हें की कहा भी जोड़े 8 साल तो उपर के बच्चे ने उन्होंने ग्रुप बनाया जाता सगा तो ठीक है वह बच्चों की कहता घर वर्ग माहौल है जोड़ा आप कहें दिता जाता सगा उन्होंने उही सेम मतलब कि खेडने वाली आप कहने समान दिता सजावटी समान दिता जाता है। अगर आप गल करते रेजियो अमीलिया एक ही सगा यह बेस्ड सगा सक्सैसफुल प्री स्कूल बने हुए ने उन्होंने उपर बेस्ड सोते आधारित बनाया हुआ सगा तो यह करते कि द्वारा डिवेलप किया गया रेजियो अमीलिया से टाउन लोग से जोड़े उन्होंने द्वारा ठीक है ये बच्चा तो कहदे द्वारा सीखने की गल की मिसटेक द्वारा सीखने की गल भी बच्चे ने गलतियां करके सीखते हैं ठीक है इस तो बाद जो उन्होंने प्लेस के प्रोजेक्ट्स ने वह की रिकॉर्ड किए होंगे से ऑनवर्ड उन्होंने शब्दों के इस बाद आप गल करी हाईस्कोप की हाईस्कोप की सगा यह कि द्वारा स्टार्ट किया गया डॉक्टर डॉक्टर डेविड वेलकट द्वारा जो किसी मिशीगन सिटी के रेंदे ने गे सॉरी मिशीगन सिटी के स्टार्ट किया 1970 तो इस बाद जो हाईस्कोप आ इस गल घट की जाती सोशल इमोशनली उपर घट जोर दिता जाता है अकैडमिक अचीवमेंट उपर ज़्यादा जोर दिता जाता है स्टूडेंट्स नीता इनकरेज किया जाता से उन्होंने उत्साहित किया जाता है टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन भी खुद का फैसला लैन कहदे बारे मटीरियल बारे तो एक्टिविटीज़ बारे आप अगर गल करी बैंक स्ट्रीट की बैंक स्ट्रीट की सगा देखो यह दस्या दीज आर बेस्ड ऑन अर्ली चाइल्ड उपर बेस्ड से स्कूल से जोड़े बैंक स्ट्रीट ज संस्था से जी तो बाद प्रोग्राम कि द्वारा चलाया गया बैंक स्ट्रीट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि कितने बनया न्यूयॉर्क सिटी के बनया हुआ इट इज़ फाउंडड बाय लूसी स्प्रैग मिशल द्वारा 1916 चलाया गया लूसी स्प्रैग मिशल इस तो बाद लैसन दीज लैसन आर फोकस ऑन सोशल साइंस एक कादे उपर फोकस करते बैंक स्ट्रीट वाले यह सोशल साइंस के उपर जोर देंगे जिद सोशल साइंस के सब्जेक्ट आते हैं हिस्टरी हो गया तो ज्योग्राफी हो गया तो पॉलिटी इन उपर ज़्यादा फोकस ज़्यादातर यह हिस्टरी तो ज्योग्राफी उपर जोर दें बच्चे जोड़ा समाज हिस्टरी बारे पता होना चाहिए तो ज्योग्राफी बारे जरूर पता होना चाहिए। इस तो बाद ये कादी गल की ज़्यादातर इमेजिनेशन पावर ज़्यादा कहते भी बधाने की गल की उन्होंने पावर को डिवेलप करने की कोशिश जो है गल की गई सी। अगर आप गल करते कम्यूनिटी कम्यूनिटी जो है संस्थावान बने होंगे जिमें ठीक है जो कि एक मतलब कि मिलकर किसी चीज़ को चलाना है ना संस्था बनाई गई सी करते हैं लाइक रिलीजियस स्कूल इट फॉलो प्री स्कूल फिलोसफी इन्होंने ये भी जिम्मे रिलीजियस स्कूल बने हुए वो ये भी की सी प्री स्कूलों का जो फिलोसफी फॉलो करते ये देखो अजे आपने किन्ने कर ले पांच छे छे तक हो गए हैं अजे कुछ सत्त तक हो गए हैं कुछ ये दो तीन होर रहेंगे वो मैं तुम्हें लिखवा दिना तो कुछ जो बच्चे तो आप कहने भी किस तरह के जोड़े बच्चों के मनोरथ होंगे कुछ गलों ने वो भी डिस्कस करूँगा इन्हें तुम इस चीज़ को जरा नोट कर लो तो जो भी आ चीज़ तुम मैं ही कहना होंगे भी नोट जरूर करा करो भी नोटबुक चंगी तरह लिखा करो तो समझा करो वीडियो देखा करो फिर ही गल पल क्योंकि किस तरह का प्रश्न पूछ लो आप कह जो तुम सुनया होगा सारा फिर तुम कर लो इन तुम इस चीज़ को लिख लो। दोस्तों प्री प्राइमरी की फिलोसफी के अपना जो 8वां पॉइंट आ तो आप 7 पॉइंट आप डिस्कस कर चुके हैं तो 8वां पॉइंट है जो भी मेन आ सारे जो मैं तुम्हें दसे सारे मेन ने सारे जो प्रश्न है जो घुमा के पूछ लिया जाए उस बारे सीधे ही पूछ लिया बस तुम जो करवाया उन्होंने ध्यान ना
लिखना। वैसे तो उन्होंने पीडीएफ भी मिल जूगी थोड़ा होर डिटेल के, बट जो तुम सुनते हो इन गलों फिर थोड़ा ज़्यादा दिमाग के रह जाते क्योंकि आप सुनया होगा तो उसने वेख्या भी किस तरह करवाया गया। ठीक है, कोऑपरेटिव की गल करते, कोऑपरेटिव का मतलब की हूँ सहकारी है ना, जो आप सहयोगी भी कहने भी सहकारी हूँ मतलब कि किसी ना संयोग अपना कोऑपरेटिव आप कहने कोऑपरेटिव बैंक जब होंगे ना सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव का मतलब कि हूँ एक दूजे ने संयोग, नाम से पता लगता भी ये संयोग किदा होगा भी कौन ये संयोग दो अपन कोऑपरेटिव। ठीक है, ये क्या पेरेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग, ये करते हैं बच्चे के जो पेरेंट्स ने वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते भी संयोग देंगे आगे बच्चे की लर्निंग दे। जे इतने गल करिए देखो प्रोफेसनल टीचर्स आर हायर्ड फॉर दिस, देखो ये प्रोफेसनल टीचर ने हायर किए जाते हैं बच्चे को पढ़ाने वास्ते, बट इतने मेन गल फिर पेरेंट्स का की रोल हो गया देखो ये दादा हूँ। ठीक है, बट मे हैल्प बाय पेरेंट्स, चाहे टीचर हायर किए जाते जो प्रोफेसनल टीचर होंगे ये वास्ते, बट उनकी हैल्प कौन करते पेरेंट्स करते इन क्लासरूम के। ठीक है, दिस कैन बी लैस एक्सपेंसिव, इस करके घट कीमती है मतलब कि ज़्यादा इसके उपर खर्चा नहीं आता, यह रीजन ये है क्योंकि पेरेंट्स ने जोड़े वो साथ दे रहे बच्चे का, कितने एफर्ट्स ज़्यादा टीचर नूं करने पैण भी हाँ बच्चे नूं कि चीज़ है कितने वो पेरेंट्स उसके कोल है उसनों जिहड़ी चीज़ मटीरियल की लोड़ है ज जिस तरह की भी सहयोग की लोड़ है उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, इस करके घट एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। अगे गल करते हैं प्ले बेस्ड, प्ले बेस्ड नाम तो पता है मतलब कि जो खेड आधारित जिहड़े आपां कह सकते भी स्कूल बने हुए जा, देखो ये की गल हुंदी है फिलोसफी विच किड्स आर इनकरेज्ड। ठीक है, बच की कीता हुंदा बच्चे नूं इनकरेज कीता हुंदा, उन्हां बच्चे नूं उत्साहित कीता हुंदा टू लर्न थ्रू प्ले, भी बच्चा नूं खेड दे द्वारा जो है सीखण लई उत्साहित कीता जांदा। दिस इज प्राइमरी प्रिंसीपल इज टू प्रमोट पार्टीसपेशन इन एक्टिविटीज, ये गल की भी तो प्रायमरी प्रिंसीपल की है बच्चों को प्रमोट किया जाता कहदे लिए भी बच्चों अगर क्या हूँ भी तुम पार्टीसपेशन करो इन द एक्टिविटीज। भी ज़्यादातर आप गल करिए प्ले मैथड की गल करते हैं भी बच्चों ज़्यादातर खेड द्वारा सीखने की एक्टिविटीज़ द्वारा सीखने की गल की जा रही है इतने। ठीक है, नाम ही की है प्ले बेस्ड। नैक्सट आप गल करिए इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल कहे होंगे अंतरराष्ट्रीय स्कूल हो गए, जिहड़ा नाम तो पता नाम दिख रहा अपन भी इंटरनेशनल का मतलब की हुंदा भी अपने देश तो इलावा होर। ठीक है, जिहड़े देश हुंदे एक देश तो ज़्यादा देश हो गए देखो भी अपने देश तो अलहदा यह की किया जाता देखो इस्टैबलिश्ड बाय फॉरन कंट्रीज, यह की है जिहड़े फॉरन कंट्रीज ने। ठीक है, विदेश अज में अपने देश दे विच कोई होर कंट्री है जिहड़े वो अपना कोई स्कूल बना दे आके, ठीक है, जो विदेशों के मतलब कि बोर्ड द्वारा चलाया जाए है ना वो चीज़ होगी, ये किता यह स्थापित किए जाते फॉरन कंट्रीज के द्वारा। दीज आर बेस्ट फॉर फॉरन कंट्री फॉरन स्टूडेंट, एक किन वास्ते बेस्ट ने ज़्यादातर फॉरन स्टूडेंट्स ने, जिमें हूँ वैसे यह ज़्यादातर यह कहें भी जो बच्चे विदेश जाके पढ़ते उत्थे कोई स्कूल उन्होंने लिए स्थापित किया फॉरन का उन्होंने वधिया, वैसे ही जरूरी नहीं भी फॉरन के ही स्टूडेंट्स उन्होंने स्टडी कर एक जे देश दे विच उस देश के दे बच्चे भी उत्थे पढ़ सकते हैं, जिमें कई जिमें अपने देश विच लगा लो भी अपने ज़्यादातर पेरेंट्स नूं भी साढ़े बच्चे इंग्लिश वधिया इंप्रूव होने की अंग्रेजी दे विच ज़्यादा बच्चे उन्होंने परिपक्व हो जाए भी उन्होंने चंगी तरह जी अंग्रेजी है वो आ सके, तो इतने अपने वो बच जे पेरेंट्स चाहते भी साढ़े बच्चे नवी लैंग्एज सीख, देखो इतने लिखा न्यू लैंग्एज लर्न। ठीक है, न्यू लैंग्एज लर्न इन दी स्कूल, इन्हों स्कूलों की किया जाता नवी जी लैंग्एज उसको सिखाया जाता, जिमें अपने अंग्रेजी ज़्यादा कहने भी इंपॉर्टेंस दिती जाती है तो वो पेरेंट्स चाहेंगे साढ़े बच्चे नवी लैंग्एज सीखन जिमें अंग्रेजी आ तो अंग्रेजी के अंग्रेजी की आ भी हिंदी तो पंजाबी जो बिल्कुल भी मतलब कि आप कहने अलाउड ही नहीं होंगी, कई स्कूलों अलाउड ही नहीं हैगी पंजाबी तो अंग जो है हिंदी तो उत्थे की है सिर्फ अंग्रेजी या जी उस ही प्रयोग किया जाता, तो यह जो स्कूल की हमारा विदेशों द्वारा स्थापित किए जिते नवी लैंग्एज में प्रमोट किया जाता तुम कह सकते जिम्मे इंग्लिश हो गई। अगे आप गल करते हैं अबिलिटीज़, देखो ये हो गया 10 पॉइंट मैं तुम लिखवाए ने चंकी तरह तुम्हें इन नोट कर लियो अपनी नोटबुक उपर। अगे आप गल करते हैं अबिलिटीज़ ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, जोड़े बच्चे ने जोड़े प्री स्कूल के होंगे उन्होंने किस तरह की योग्यता होंगे ने उन्हें योग्यतावान का तुम्हें पता होना चाहिए भी एक छोटा बच्चा जरा। ठीक है, प्री स्कूल आया कोरी स्लेट अपन कह सकते हैं उसके उपर जिस तरह अपन चाहिए उसको बनाना है तो अपन पता होना चाहिए उन्होंने किस तरह की योग्यता होने उन्हें बच्चे में प्री स्कूल के बच्चे का जिद पहला आ गया मोटर अबिलिटीज़, मोटर अबिलिटीज़ हो गया जो सेंस न रिलेटड आ गया सेंसस कि होंगे ने अपने ज्ञान इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया संबंधित जी योग्यता है इन्होंने बच्चों में भी किसी गतिविधि सारिया ज्ञान इंद्रिया की वरतों करनी ये करते हैं
भी बच्चे ने जिहड़े काहदे नाल संबंधित होगी भी उन्हें विच सेंस ने उन्होंने प्रयोग सही ढंग कर रहे जिवें अपने होंगे सेंस अक्खां हो गईआं अपनी जिवें वी हत्थ हो गए इन्ह सारयां दा प्रयोग किस तरह भी जिहड़े अपने सेंस होंगे ने उन्हां सारयां नूं किस तरह प्रयोग कर रहे हैं ठीक है ज्ञान इंद्रियां नाल संबंधित जे तुहानूं पुछ लैंदा भी मोटर एबिलिटीज़ कहड़े होंगे ने जिहड़े ज्ञान इंद्रियां नाल संबंधित होण ये याद रखियो। अगे गल करते हैं सोशल एबिलिटीज़। सोशल एबिलिटीज़ की होगा समाज नाल संबंधित जिहड़ी योग्यतावां होंदियां समाजिक योग्यतावां पंजाबी दे विच कहीए इहदे विच कहिंदा दूजिआं प्रति हमदर्दी ते संजोग भी बच्चा जिहड़ा समाज दे विच की आ जो कोऑपरेशन बना के रखूगा संजोग बना के रखूगा दूजिआं प्रति हमदर्दी रखूगा ये बच्चे दे विच सही योग्यतावां ने भी बच्चा एक जिहड़ा कोई भी आ हुण आपां भी जिहड़े लोग जिहड़े समाज दे विच रहिणा एक दूजे नूं कोऑपरेशन करके एक दूजे प्रति जो किसी नूं तकलीफ आउंदी आ दुख आउंदा आपां उहदे प्रति हमदर्दी प्रगट करदे आ उहनां दे चलो खुशी हुंदी आ खुशी दे प्रोग्राम दे विच वी आपां जांदे आ तां एक बच्चे दी सही एबिलिटी सोशल एबिलिटी जो हुंदी वी जो दूजे प्रति हमदर्दी प्रगट करदा संजोग करना सिख जांदा। अगे गल करते हैं कम्यूनीकेशन एबिलिटीज। कम्यूनीकेशन होगा भी किसी ना कम्यूनीकेट करना किसी ना संचार करना संवाद करना आप जिन्होंने कह रहे हैं ठीक है अपने विचार से राय में प्रगट करना ठीक है भी जो बच्चा सीख जाता भी मैं अपने जो विचार ने अपनी जी कोई राय उन्होंने साम दूसरे सामने किमें पेश करनी है ये जो ये कला सीख जाता वह की होंगे ने बच्चे कम्यूनीकेशन एबिलिटीज संवाद करना जो कहें भी किसी ने गलबात सही ढंग करनी। अगर आप गल करते हैं मेंटली एबिलिटीज। मेंटली एबिलिटीज की होगी तो दिमाग ना संबंधित कोगनेटिव जिसनों आप कह सकते हैं भी बच्चा जो बौद्धिक तौर पर किमें की चीज़ा जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीख से ठीक है किसी जो उन्होंने लाइफ में कोई दिक्कत आती है प्रॉब्लम आती है सही ढंग ना बच्चा जो सॉल्व करना सीख जाता है। अगे गल करता लॉजिकल थिंकिंग जो बच्चा तार्किक तौर पर सीख जाता कोई भी चीज़ में परख के सीखता कोई भी चीज़ सही ढंग ना सीख जाता उसनों कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग भी जो बच्च इस इस तरह की चीज़ा है ना किस तरह प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व करना तो लॉजिकल थिंकिंग आ जाए वह की होंगी मेंटली एबिलिटीज होंगी। अगे होगा लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटीज हो गया भी सीख ना संबंधित यह की होंगे कि ये भी सीख रुकावटों दूर करना जो लर्निंग कर रहा उसनों जो होंगे कहते भी कई रुकावटा बच्चे की सीखने आदि पहला भी वो प्रॉपर कॉन्सनट्रेशन नहीं कर पा रहा जो उस उसू की सीखने कोई सी लेट मतलब कहने भी देरी लग रही किसी चीज़ में सीख देर हर एक काम जो सीखता पर लेट सीखता गा तो उस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश करता बच्चा भी मैं जी रुकावटों हौली हौली इंप्रूव करा जो शोर शराबा उसू जो भी शांति में जाके पढ़ सकता हौली हौली जो रुकावटा दूर करना सीख जाता सीखने के प्रति भी हाँ पे टीचर्स ने मैंने कहा कि इन्नी बार रिपीट करेगा तो तेरी जल्दी याद हो जाऊ बच्चा जो रुकावट हौली हौली दूर कर देता ठीक है कुछ नव सीखने की कोशिश करता लर्निंग एबिलिटी जो होंगी जो बच्चा सीखने रुकावटा दूर करता नव सीखने की कोशिश करता सही ढंग ना काम अपना जो सीख जो आप सीखने की कला विकसित कर लेता। अगे आप गल करते हैं परसनैलिटी एबिलिटी। परसनैलिटी का शख्सियत निखारना जो बच्चा अपनी शख्सियत अपनी परसनैलिटी उपर जरा काम करना स्टार्ट करता जिम्मे आ गया अपनी होने तो जाणू होना पहले तो बच्चे ने किया अपने आप तो जाणू होना चाहिए भी मैं की चीज़ है भी मैं अपनी लाइफ में की बेहतर कर सकता मैं अपनी परसनैलिटी होर किवें डिवेलप कर सकता दूजे ना किस तरह सही वार्तालाप कर सकता किस तरह अपनी मेरी ड्रैसिंग सेंस होनी चाहिए वो सारिया गल्लां भी किस तरह सही सारे के सामने मैं एक परफेक्ट परसन परसनैलिटी बन के आवां ठीक है परसन परसनैलिटी एबिलिटी भी जो खुद बारे जाणू होता खुद दी योग्यतावां बारे अपनी योग्यतावां बारे उसनों अनुमान लो भी मैं की कर सकता लाइफ में दोबारा तुहानूं रिपीट करवाना देखो आ गल की सी कोऑपरेटिव तुहानूं दस्सदा सी जदों संजोग हो गया है ना सहकारी इहदे पेरेंट्स इंपोर्टेंट रोल प्ले करदे आ दूजी गल भी इहदे विच कीता प्रोफेसनल टीचर नूं हायर कीता जांदा बट मेन हैल्प की करदे आ उहनां दे पेरेंट्स करदे आ क्लासरूम दे विच इस करके इह घट गिणदे क्योंकि पेरेंट्स साथ दे रहा तो ज़्यादा टीचर नूं जिहड़ा कहिंदे भी ज़्यादा इहदे विच टीचर्स नूं ज़्यादा जोर नहीं लगाना पै रहा क्योंकि हैल्प हो रही है पेरेंट्स द्वारा। प्ले बेस्ड होगा भी जो खेड के आधार पर कोई लर्निंग होंदी है फिलोसफी होंदी है किड्स आर इनकैरेज की आ किड्स नूं जो होंदे छोटे बच्चे होंदे इन इनकैरेज किया होंदा उत्साहित किया होंदा टू लर्न थ्रू प्ले खेड के द्वारा सीखता दिस इज प्राइमरी प्रिंसीपल एक प्राइमरी प्रिंसीपल है इज टू प्रमोट पार्टीसपेसन इन एक्टिविटी भी बच्चों एक्टिविटीज करने के लिए प्राइमरी प्रिंसीपल मेन कह प्राइमरी प्रिंसीपल की होंगे जो मेन फोकस होंगे जिस उपर भी यह कहते भी एक्टिविटी पार्टीसपेट करना चाहिए बच्चों ज़्यादा तो ज़्यादा। इंटरनेशनल स्कूल की है जो फॉरन कंट्रीज ने विदेशों द्वारा किसी देश में स्थापित किए हैं नवी लैंगुएज की गल की नवी लैंगुएज सिखाई जाती है बच्चों तो की और ये भी ये जो जो फॉरन स्टूडेंट्स ने उन्होंने वास्ते ज़्यादा बैटर आ भी जिमें कई स्कूलों में जो पेरेंट्स चाहते भी साढ़े बच्चे नवी लैंग्एज सीख जिमें कई चाहते पेरेंट्स भी साडा बच्चा अंग्रेजी में परिपक्व हो जाए तो उसनों इंटरनेशनल अपने स्कूल बने हुए उत्थे लगाया जाता भी जिते सिर्फ जो पंजाबी भी कहें अलाउड नहीं सारा कुछ इंग्लिश के।
अगे अबिलिटीज की गल करी सी भी कि बच्चे योग्यतावान होंगे ने जो उसमें अपन देखने मिलती हैं जिद मोटर एबिलिटीज हो गए जो सेंसर न रिलेटड हो बच्चे ज्ञान इंद्रिय संबंध जो तो अपने ज्ञान इंद्रिय उपर बच्चा काबू पा के उन्होंने सही ढंग में प्रयोग करना सीख जाता वो मोटर एबिलिटीज हो गए अगे गलते सोशल एबिलिटीज कि समाज न संबंधित समाजिक योग्यतावान इसमें कह सकता जो तो बच्चा दूजे न कोऑपरेशन करनी सीख जाए संयोग करना सीख जाए दूजे प्रति सिंपति की भावना वो जागृत हो जाए ये की होंगे ने सोशल एबिलिटीज और कम्यूनीकेशन एबिलिटीज कि होंगे ने सोशल कम्यूनीकेशन का संचार संवाद करना जो तो अपने विचारों अपने राय में दूसरे सामने सही ढंग के नाल पेश करना सीख जाए बच्चा वो क्यों कम्यूनीकेशन एबिलिटीज हो गई। अगे आप गल कर दी मैंटली एबिलिटीज क्या जो बच्चा दिमागी तौर पर हर एक चीज़ के सही फैसला लैन लग जाए प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाए लॉजिकल थिंकिंग हो उस ठीक है। अगर आप लर्निंग एबिलिटीज की गल कर लर्निंग की होंगे भी सीखने से संबंधित जोड़ी योग्यता जो तो बच्चा जरा सीखने दी रुकावटों को दूर करना सीख जाए भी जो उसके बैरियर्स आते हैं उसके रास्ते दूर करना सीख जाए और कुछ नवं सीखे। अगर आप लास्ट गल करी परसनैलिटी एबिलिटी परसनैलिटी की होती है शख्सियत को निखारना भी बच्चा जो अपने बारे जाणू हो जाए भी उस टैलेंट आ उस बारे जाणू हो जाए भी होर अपने की इंप्रूव है अपन एबिलिटीज़ बारे जाणू हो जाए अपने टैलेंट बारे ठीक है। अज का दोस्तों यह टॉपिक से जरा हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो तुम इस वीडियो में जिन्ना मैं करवाया तुम ध्यान ना कर लेना कोई थोड़ा डाउट होगा कमेंट बॉक्स के लिख दे दोस्तों अज इन्ना ही दोस्तों धन्यवाद।